Respected students, welcome back everyone. In today's video, we will see BA team, DB team and QA team, the work of these all three teams. Okay, so the BA team stands for business analysis teams, DB team stands for database or dev team, and QA team stands for validation team, also known as validation team. Okay. So I have made a couple of videos on project life cycle management. You can also watch that video. But what I have seen in those video, I have covered Power BI part or BI part more, and these three teams part has been covered less there. So this specific video I have made only for these three teams. What are the work of these three teams? Okay. So before starting the video, please subscribe and press bell icon for all upcoming videos. Also follow us on social media, especially Instagram, Telegram. All the social media links are given in description box. Okay, and if you found this video useful, then like it and share it with your friends. Okay, so let's start with the video. The first is BA team, also known as business analysis team. So सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ BA team क्या करती है. एक hierarchy है. ठीक है, तो hierarchy क्या है? पहली आती है बीए टीम, ठीक है, दूसरी आती है डेटाबेस टीम, तीसरी आती है पावर बीआई टीम, एंड द लास्ट इज क्यूए टीम. ठीक है, लेट मी रिपीट इट अगेन. एक हायरार्की है लेवल से. पहली आती है बीए टीम, द फर्स्ट इज बीए टीम. ठीक है, द सेकंड इज डेटाबेस टीम, द थर्ड इज आवर बीआई टीम, ऑल्सो नोन एज पावर बीआई और टैब्लू क्लिक्सेस, विच एवर बीआई टूल यू आर वर्किंग, एंड द लास्ट इज क्यूए टीम. ठीक है, सो पहली जो बी आई टीम होती है वो क्या करती है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग करती है. ठीक है, जो बिजनेस स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्लाइंट्स वगैरह हम जिसको बोलते हैं बिजनेस स्टेक होल्डर्स, उनसे वो उनके जो रिक्वायरमेंट्स है वो अंडरस्टैंड करके लेते हैं. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, वर्क विथ बिजनेस स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड नीड्स एंड प्राइमरी गोल, मतलब उनको रिपोर्ट में क्या चाहिए वगैरह ये सब करते हैं. और यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा होगा, दे फुलफिल गैप बिटवीन बिजनेस स्टेक होल्डर एंड डीबी टीम. तो उनको है ना, पहले तो क्लाइंट से सैंपल रिपोर्ट्स वगैरह, डेटा अवेलेबिलिटी कितना है, 50% है, 40% है, 80% है, वो फिर डेटा सोर्स क्या है आपका, फिर वो एक बता दिया जाता है, या फिर वो एक क्लाइंट उनको बता दे कितने दिन में उनको रिपोर्ट चाहिए. ये जो कम्युनिकेशन होता है डायरेक्टली बिजनेस स्टेक होल्डर्स का, ये आपके टीम में जो बीए होता है उसके साथ कम्युनिकेशन होता है. ठीक है, देन वो क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट आप देख सकते हो, दे कनेक्ट विद डीबी टीम टू लेट देम नो डेटा अवेलेबिलिटी, मतलब वो जो कम्युनिकेशन हुआ है बिजनेस स्टेक होल्डर्स के साथ, फिर वो जो डीबी टीम होती है, डेटाबेस टीम होती है, उनको वो फिर बताती है पूरा कि क्या सिनेरियो वगैरह है, कहाँ से डेटा सोर्स है वगैरह. ठीक है, और द नेक्स्ट पॉइंट इज दे क्रिएट बीआरडी. सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में क्या होता है, बीआरडी डॉक्यूमेंट होता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जो कि फिर शेयर पॉइंट पे अपलोड किया जाता है और पूरी टीम एक्सेस करती है. उसमें क्या क्या होता है कि क्लाइंट से जो आया है वहां पे मतलब जो डेटा है उसके टेबल्स के नाम क्या है, कॉलम्स के नाम क्या है, और जो डेटाबेस टीम बनाती है वो थोड़े चेंज करती है कॉलम के नेम, टेबल नेम, एज पर बी आई टीम जो होती है पावर बी आई की टीम, उनको जो सिंपल लगे उसके हिसाब से करते हो. तो वो जो कॉलम नेम चेंज होता है वो बीआरडी में होता है. सैंपल रिपोर्ट्स जो क्लाइंट देते हैं उसके स्क्रीनशॉट होते हैं वो वहां पे बीआरडी में डालते हैं. बीआरडी जो डॉक्यूमेंट होता है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन प्रोजेक्ट. ओके, एवरीवन रेफर्स द बीआरडी डॉक्यूमेंट. इट इज अपलोडेड ऑन शेयर पॉइंट फॉर एवरी रिपोर्ट. फॉर एग्जाम्पल जो भी आपका रिपोर्ट होगा उसका नाम हुआ वहां पे वो अपलोड किया जाता है. Then they are one who have continuous communication with clients over data. मतलब data related जो भी चीज होगी, for example कुछ observations होंगे, कुछ columns होंगे, for example कभी कभी होता है कि एक दो columns missing हो गए वगैरह होते हैं जो क्लाइंट से नहीं आए होते हमें, तो फिर उसके रिलेटेड वो बात करते हैं, या फिर लॉजिक बिल्ड जो होता है, फॉर एग्जाम्पल एक कॉलम है या फिर वो कुछ नंबर से, तो वो पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक बिल्ड करना है अगर उनको अंडरस्टैंड नहीं हुआ. ठीक है, ये एक बीए टीम का काम होता है. द लास्ट पॉइंट इज वन हु क्रिएट्स ऑल पीपीटी व्हिच आर, हाँ बिल्कुल, तो जो देखिए स्प्रिंट होता है, वी ऑल वर्क इन अजाइल मेथोडोलॉजी. ठीक है, सो देर इज समथिंग नोन एज स्प्रिंट व्हिच इज ऑफ आइदर 2 week, 3 week और 4 weeks, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी एंड द क्लाइंट एवरीथिंग.
ठीक है, तो एट द लास्ट डे ऑफ स्प्रिंट, ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट योर स्प्रिंट इज ऑफ 4 वीक्स, एंड लेट्स अज्यूम दैट ऑन 30 ऑफ जून और 31st ऑफ मे, इट इज द लास्ट डे ऑफ योर स्प्रिंट. सो अराउंड 8 to 9 PM देर इज वन मीटिंग नोन एज स्प्रिंट रिव्यू. तो वहां पे क्या होता है, एक पीपीटी हम बना के पूरी देते हैं, ठीक है, तो वो पीपीटी कौन बनाता है, जो क्लाइंट को प्रेजेंट किए जाते हैं. सो दैट पीपीटी इज क्रिएटेड बाय बीए टीम ओनली, ठीक है, तो ये पूरा बीए टीम का काम होता है. ये जो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, बीए क्यूए और डेटाबेस टीम, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो देखा है उसके रिलेटेड, मैंने जो उनका काम देखा है वो मैंने आपको बताया है, ठीक है. सो नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, सेकेंड इज डेव टीम इन आवर लेवल. द फर्स्ट इज बीए टीम, नाउ सेकेंड इज डेव टीम, ऑल्सो नोन एज डेटाबेस टीम, ठीक है, उसको डीबीटी भी बोलते हैं. ये कौन होते हैं, दे आर द वन हु क्रिएट्स व्यूज एंड स्टोर प्रोसीजर व्हेन वी पावर बीआई डेवलपर. सॉरी, सो व्हेन वी पावर बीआई डेवलपर और टैबलो और क्लिकसेस, एनी बीआई टूल विच आर यूज इन योर ऑर्गेनाइजेशन, विच इज यूज इन योर ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हेन वी फेस द डेटा, ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट योर डेटा सोर्स इज एसक्यूएल और योर डेटा सोर्स इज स्नोफ्लेक और एनीथिंग. व्हेन वी फेच डेटा, वी फेच व्यूज और स्टोर प्रोसीजर, ओके, वी डोंट फेच द टेबल्स विच आर मेड इन एसक्यूएल, वी फेच व्यूज एंड स्टोर प्रोसीजर, ठीक है. तो वो क्या करते हैं, वो वहां पे व्यूज वगैरह बनाते हैं. व्यूज स्टोर प्रोसीजर में फिर वो जो जो कॉलम्स है उसको लेते हैं, फिर कुछ लॉजिक वगैरह बिल्ड कर रहा है वो वहां पे बिल्ड करते हैं, जैसे कि लेट्स अज्यूम एग्रीगेशन होगा कोई, या फिर लेफ्ट ज्वाइंट राइट ज्वाइंट मारना है, दो तीन डेटा सोर्स है, जब टेबल्स वगैरह आते हैं तो वहां पे उनको लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन वगैरह ये सब चीजें करने पड़ती है. तो वो व्यूज और स्टोर प्रोसीजर बनाते हैं, उसके लिए उनको तकरीबन 2 दिन का टाइम लगता है, ठीक है, अगर रिपोर्ट 1 पेज रिपोर्ट होगा, अगर पावर बीआई का 1 या 2 पेज रिपोर्ट होगा, ठीक है, तो उनको 2 दिन लगते हैं. इसको डेव साइड जो होता है, डेवलपमेंट डेव एनवायरमेंट, दे नीड मोर टाइम टू क्रिएट व्यूज और स्टोर प्रोसीजर इन डेव एनवायरमेंट रेदर देन इन प्रोडक्शन एनवायरमेंट, बिकॉज इन प्रोडक्शन एनवायरमेंट देर इज जस्ट रेप्लिका ऑफ इट, ठीक है, बट वाइल क्रिएटिंग इन डेव एनवायरमेंट दे हैव टू बिल्ड द लॉजिक एंड एवरीथिंग, पीयर रिव्यू, एवरीथिंग इज देयर. सो दे नीड मोर टाइम इन डेव एनवायरमेंट रेदर देन इन प्रोड एनवायरमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात. तो देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, राइट एडवांस एसक्यूएल क्वेरीज एंड क्रिएट प्रॉपर स्ट्रक्चर डेटा, ओके, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांस एसक्यूएल क्वेरी, सब क्वेरी सिटी वगैरह सब लिखना पड़ता है, व्यूज वगैरह बनाना पड़ता है प्रॉपरली, क्रिएट व्यू रिप्लेस व्यू ऐसा, या फिर उनको सिक्योरिटी पास करना पड़ता है विद इंक्रिप्शन वगैरह, ये सब चीजें. तो वो एडवांस एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हैं और स्ट्रक्चर डेटा प्रॉपरली बनाते हैं. स्ट्रक्चर डेटा मतलब टेबुलर फॉर्म में, जिसमें डेटा टाइप सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, डेटा टाइप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर डेटा टाइप प्रॉपर नहीं ना आया तो मिसमैच होते हैं हमारे जो नंबर्स, रोज या सम वगैरह होता है. फॉर एग्जांपल कोई क्वांटिटेटिव डेटा जो होता है, ठीक है, जो नंबर्स न्यूमेरिकल डेटा होता है, सॉरी न्यूमेरिकल डेटा जो होता है उसके फिर सम वगैरह मैच नहीं करते प्रॉपरली, अगर डेटा टाइप ठीक नहीं होगा तो फिर वो कंस्ट्रेंट बनाते हैं, सबसेट्स जो, या फिर जॉइंट्स वगैरह ये सब लिखते हैं, मैंने आपको बताया. द थर्ड पॉइंट इज दे वर्क ऑन बोथ डेव एज वेल एज प्रॉड एनवायरमेंट, नो डाउट, करेक्ट, ठीक है, वर्क्स ऑन डेटाबेस परफॉर्मेंस ईटीएल पार्ट एंड इंप्लीमेंट इन बैकअप्स. हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, बैकअप वो कंटिन्यूसली लेते हैं, हम भी लेते हैं एज अ पावर बीआई डेवलपर. मैं भी जब मतलब हम एवरी डे हमारे जो वर्क स्पेस में जितने भी रिपोर्ट से काम स्टार्ट करने से पहले उसका बैकअप लेके रखते हैं, क्योंकि अगर आज हमने काम स्टार्ट किया अगर उसमें कुछ इश्यू वगैरह आया तो हमारी बैकअप फाइल होनी चाहिए हमारे पास. तो ये बैकअप सभी लेते हैं, बीआई टीम होगा, डेटाबेस टीम होगा, सब बैकअप लेते हैं, डेटाबेस परफॉर्मेंस पे काम देते हैं, ईटीएल पार्ट काम करते हो, कनेक्ट्स विद बीआई टीम, हाँ ठीक है. तो जब बीए टीम, व्हेन बिजनेस एनालिसिस टीम्स कनेक्ट्स विद बिजनेस स्टेक होल्डर्स अंडरस्टैंड ऑल रिक्वायरमेंट्स, देन दे कनेक्ट विद डेव टीम, दे एक्सप्लेन होल सिनेरियो व्हाट इज देयर, एंड डेव टीम क्रिएट्स व्यूज एंड स्टोर प्रोसीजर. और ये जो चौथा पॉइंट है, कनेक्ट विद बीआई टीम, देन जब व्यू क्रिएट है, क्रिएट हो गया है, देन वो बीआई टीम जो होती है उसके साथ कनेक्ट होते हैं और हमको एज ए पावर बी डेवलपर हमें वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं वो, कि
कि बाबा ऐसा ऐसा बनाया है हमने ये व्यू, और फिर यहाँ पे ऐसे कॉलम से, टेबल से, ये डेटाबेस से, ये इसका नाम ये है। कभी कभी नेम्स से भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो फिर नेम्स वगैरह एक्सप्लेन करते हैं, कॉलम नेम्स, जैसे एट्रीब्यूट नेम भी बोलते हैं हम, एंड देन फिर हमें पूरा लॉजिक वगैरह बता देते हैं वो, ठीक है। और लास्ट पार्ट है डज प्रोडक्शन सपोर्ट वर्क। हाँ, जब क्लाइंट के से फाइल्स वगैरह आती है तो फिर वो प्रोडक्शन में लोड करते हैं, सो दैट लेटेस्ट डेट जो है, हमारी जो प्रोडक्शन की जो फाइल्स होती है, दे आर शेयर्ड विद बिजनेस स्टेक होल्डर्स, ठीक है, या फिर बिजनेस यूजर्स के साथ शेयर की जाती है, तो उसमें लेटेस्ट डेट पे डेटा दिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो दिस इज द होल वर्क ऑफ डीबीटी। नाउ लेट्स कम टू क्यूए, ऑल्सो नोन एज वैलिडेशन टीम। सी, फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन वी क्रिएट, हाँ, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू बीए टीम और डीबी टीम, यू कैन कमेंट इन द बिलो द वीडियो, विद इन 1 आवर आई विल रिप्लाई यू, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ टीम, ओके, द थर्ड टीम इज आवर पावर बीआई टीम। नाउ दिस इज द लास्ट टीम इन आवर लेवल्स, क्यूए टीम, ऑल्सो नोन एज वैलिडेशन टीम। तो व्हेन वी क्रिएट रिपोर्ट एंड पब्लिश इट, दे क्रॉस वेरीफाई नंबर्स। देखिए, हम जब पावर बीआई रिपोर्ट बनाते हैं, ठीक है, उसमें फिर टेबल विजुअल होता है, मैट्रिक्स होता है, जो भी हमने विजुअल्स किए और उसमें जो नंबर्स हमने डिराइव किए हैं, या फिर टेबल्स में नंबर ऑफ रोज होगा, जो भी होगा, वो क्रॉस वेरीफाई करना किसका काम होता है? इट इज द वर्क ऑफ क्यूए टीम। ओके, क्रॉस वेरीफाइंग द नंबर्स एंड द नंबर ऑफ रोज विथ आवर पावर बीआई विजुअल्स, विथ डेटाबेस में जो कंजम्पशन यू बनाया उसमें। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव मेड एनी टेबल एंड वहां पे, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम कि 850 रोज दिखा रहे फॉर आवर लेटेस्ट डेट, फॉर 1st of July, वी हैव पास ऑल द कंडीशंस व्हाट वी आर टोल्ड, एंड वी आर हैविंग टेबल विजुअल फॉर 1st of July इन आवर पावर बी आई रिपोर्ट, टेबल विजुअल 850 रोज आर सीन। सो वॉट क्यू ए टीम ही विल डू, ही विल राइट सेम क्वेरी इन आवर एसक्यूएल एंड विल क्रॉस वेरीफाई वेदर देर ऑल्सो 850 रोज आर देर, ठीक है। तो ये काम है, एंड सेम गोज टू द न्यूमेरिकल डेटा, अगर कोई नेट अमाउंट होगा, कुछ भी होगा, तो उसका सम एवरेज वगैरह वो क्रॉस वेरीफाई करेंगे। तो ये क्यूए टीम का काम होता है, वो इवन इवन दे वैलिडेट व्यूज मेड बाय डेटाबेस टीम, ठीक है। तो वो व्यूज भी वैलिडेट वगैरह करते हैं प्रॉपरली, दे वर्क, देयर वर्क इज टू परफॉर्म टेस्ट एंड फाइंड एरर्स, बिल्कुल ये मैंने बता दिया। और मिसिंग डेटा वगैरह कुछ होगा ना, तो वो भी वो बताते हैं, डेटा सोर्स वगैरह सब चीजें। क्यूए टीम आर एक्सपर्ट इन एसक्यूएल क्वेरीज, नो डाउट, मीन्स दे आर ऑल्सो वेरी मच एक्सपर्ट इन एसक्यूएल क्वेरीज, बिकॉज दे हैव टू क्रॉस वेरीफाई द नंबर्स। कभी कभी कॉन्केटेनेशन अगर हो गया ना, कॉलम्स का कॉन्केटेनेशन कंबाइन वगैरह करते हैं, तो वो प्रॉपरली एसक्यूएल क्वेरी उनको लिखना पड़ता है, ठीक है, वो थोड़ा हार्ड होता है। हाँ, देयर वर्क, द प्राइमरी गोल ऑफ क्यूए टीम इज दैट दे गिव एरर फ्री रिपोर्ट्स टू मैनेजर बिफोर हैंडलिंग इट टू बिजनेस यूजर्स। जो हमारे डिलीवरी मैनेजर है, टेक्निकल आर्किटेक्ट है, ठीक है, उनको रिपोर्ट जब हम हैंड ओवर करते हैं और वो फिर बाद में बिजनेस यूजर्स को देते हैं, तो वो एरर फ्री रिपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, देखिए, अगर कुछ इशू डेव एनवायरमेंट में पावर बीआई रिपोर्ट में आया, क्यूए टीम ने वैलिडेट करने के बाद, कोई बात नहीं है। प्रोडक्शन में आया तो थोड़ा इश्यू है, कोई मतलब, फॉर एग्जांपल, क्यूए टीम ने ऑब्जर्वेशन दिए प्रोडक्शन पे और बाद में पता चला कि थोड़े इश्यू, तो कोई बात नहीं है, चलो वही पे रिपोर्ट था। बट व्हेन द रिपोर्ट वाज हैंड ओवर टू बिजनेस यूजर्स, ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेट मी रिपीट इट अगेन, इफ द पावर बीआई रिपोर्ट और एनी रिपोर्ट इज हैंडल्ड टू बिजनेस यूजर्स एंड बिजनेस यूजर्स हैव स्टार्टेड प्लेइंग अराउंड विद इट, एंड इफ दे फाउंड एनी एरर इन इट, सो द फर्स्ट वन, द फर्स्ट टीम विच टीम विल हैव प्रॉब्लम इज क्यूए टीम, ठीक है। अगर बिजनेस यूजर्स को पावर बीआई रिपोर्ट या कौन सा भी रिपोर्ट दिया है, अगर उसमें इश्यू आए, प्रॉड का एक तो रिपोर्ट हम बिजनेस यूजर्स को देते हैं, ठीक है, उनके सीईओ मैनेजर ने वो स्टार्ट किया एक्सेस करना और उनको एरर्स वगैरह दिखे, तो सबसे पहला प्रॉब्लम अगर किसको आएगा, तो वो क्यूए टीम को आएगा। तो ये क्यूए टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी रिपोर्ट्स हम बिजनेस यूजर्स को हैंड ओवर करते हैं या फिर डिलीवरी मैनेजर को करते हैं, वो एरर फ्री रिपोर्ट होना चाहिए। कमिंग टू लास्ट पार्ट, डॉक्यूमेंट्स वर्क एंड राइट डाउन ऑल ऑब्जर्वेशन फाउंड एंड शेयर विद क्लाइंट, ओके, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन वगैरह
वो जब क्यूए टीम को हम हैंड ओवर करते हैं, पावर बीआई सर्विस में पब्लिश करते हैं, उनको फिर वो लिंक देते हैं और वो ऑब्जर्वेशंस जो भी निकालते हैं तो उनका उनको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है एक्सेल में, ठीक है, और वो अक्रॉस होल टीम उनको शेयर करना पड़ता है, या फिर अगर टीम्स का ग्रुप हो वहां भी हम डालते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। बट ये जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने निकाले हैं, उन्होंने कितने घंटे काम किया, फिर वो ऑब्जर्वेशंस फिक्स करने के लिए बीआई टीम को कितने टाइम काम करना पड़ा, वो सब उनको बताना पड़ता है या फिर वो डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है एक्सेल में। और अगर आपके कंपनी में जीरा कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है तो वहां पर भी आपको अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। सो दिस वॉज द टोटल वीडियो अबाउट बीए टीम, डीबी टीम एंड क्यूए टीम, व्हाट वर्क दे डू इन द कंपनी, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू इट, मेक श्योर दैट यू आर कमेंटिंग, ठीक है, विद इन 1 आवर आई विल रिप्लाई टू यू, एंड मेक श्योर यू आर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोज, ठीक है, एंड फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया। थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर वॉचिंग टिल एंड।